मजनी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक बार जरा आपसे बाजार पर आउटलुक ले लें और साथ ही अपडेट्स भी, उसके बाद फ्रेश कॉल्स बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो 50,000 का टारगेट हो गया है, बट ये कोई एंड नहीं है ना बिगिनिंग है। मार्केट विल बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक माइलस्टोन हिट किया है, लेकिन मेरे को कोई लेटअप ज्यादा दिखता नहीं है। तो वही 14,400 और 14,750 जो नया है वहां पे रेंज है। नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू टेल मोर। आई थिंक सेक्टर्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। जैसे आज आपने ऑटोज देखा है, सेलेक्ट फार्मा, सेलेक्ट PSUs आर लुकिंग वेरी वेरी राइट नाउ फॉर अ गुड एंड सम कंजम्पशन स्टॉक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स कुड बी इन अ रेंज बिकॉज ऑफ द ह्यूज अपसाइड। और अब क्योंकि 50,000 आ गया तो एक दो दिन के लिए थोड़ा यहाँ पे रुक सकता है, बट अगेन वी विल बी लुकिंग एट अ शॉर्ट एक्सपायरी नेक्स्ट वीक। और आपको पता है FIs की बाइंग जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक्स में तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ फॉल आएगा। तो लेने की चेष्टा कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज वी थिंक सेक्टर वाइज दे विल बी अ रोटेशन एंड दे आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ सेक्टर्स विच कैन कैच अप ऑन दी अपसाइड। परफेक्ट सर। अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं अनिल जी। जी सर बताएं। सर कल आपको फिर कन्विक्शन से कहा था अशोक लीलैंड 18-19-20 में, आज 126 बिक गया। जो ट्रेडर बुक कीजिए, आपको 135 का टारगेट दिया था टाटा मोटर के साथ, तो वो देखिए टारगेट हो गया। आपको मैंने कल अंबुजा दिया था, वो स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन बने रहिए, अंबुजा विल बी आउट परफॉर्मर। और HCL टेक, ये तीन मेरे बाय थे। ऑल्सो मैं अभी रीट्रेड करता हूं कि गैस यूटिलिटीज विल बी द स्टार ऑफ 2021, सो प्लीज एड IGL ऑन ऑल डिक्लाइंस। ये मैं कल 35-36 में कहा था, आज 3840 है। कहीं भी आपको एवरेज करना है करिए, क्योंकि ये 650 से 700 तक जा रहा है। अब आपके लिए और अपडेट दे दूं सर, हिंडालको और LIC हाउसिंग मैंने शॉर्ट कराया था एज अ पेयर परसों, दोनों में टारगेट हिट हो गए, वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपके लिए दो नहीं सर, तीन तीन बात हैं आपके, तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहली बात है, थोड़ा सा डिफेंसिव मेरे को पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे एक शेयर जो करेक्ट हो चुका है थोड़ा सा अपने हाई से, वो बहुत राइप लग रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, वो है नेस्ले। 17,700-17,750 में लीजिए, 17,375 का स्टॉप लॉस है, 18,300 से 18,500 का टारगेट। नेस्ले विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑन द सेल्स ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आई थिंक आर वेरी वेरी क्यूट। तो इस समय एक पेडिग्री स्टॉक लेना मैंने नेस्ले। दूसरा बाय होएगा सर, जो मैंने कल भी कहा था और जो मुझे लगता है इंश्योरेंस में स्टार होएगा इन द कमिंग क्वार्टर, इज ICICI प्रू। 504.5 का भाव है, 492 का स्टॉप लॉस रखिए, 535 का टारगेट। Okay. तीसरा होएगा, जैसे मैंने आपको IGL कहा है, वैसे मुझे अब गेल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें बायबैक भी है और 130-132 में वो बहुत अच्छा आपको प्रोग्नोसिस दे रहा है फॉर 10% अपसाइड। तो गेल लीजिए 32-33 में, 29.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 से 38 का ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। ओके तो तीन खरीदारी की राय है। पहला है नेस्ले, 17,750 के आसपास खरीदिए, 17,375 का स्टॉप लॉस है, 17,375, 18,300, 18,500, 18,300-18,500 का टारगेट। ICICI प्रू खरीदिए, यहां पर 504-505 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है, 492-492 का स्टॉप लॉस लगाइए, 535 का रखिएगा टारगेट। और गेल में खरीदारी के लिए 132 के आसपास, 129.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, 137-138 के टारगेट के लिए गेल में भी खरीदारी करनी है। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, वो जरा